खरगोन जिले में गत दिनों एक समाचार चैनल पर बेकरियों के संचालन को लेकर समाचार प्रसारित किया गया था, जिसमें गंदगी के बीच बेकरी आइटम बनाए जाने का वीडियो प्रसारित हुआ था। इस प्रसारण पर खरगोन बेकरी एसोसिएशन से जुड़े लोगों ने आपत्ति जताते हुए समाचार को भ्रामक और असत्य बताते हुए कार्रवाई की मांग की है। बेकरी संचालक कोतवाली पहुंचे और कोतवाली में न्यूज चैनल संवाददाता सहित चैनल प्रबंधन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। अमजद खान ने बताया कि उक्त वीडियो में सत्यता बिल्कुल भी नहीं है। यह वीडियो खरगोन का ना होकर किसी अन्य जगह का है। इस वीडियो की पुष्टि नहीं होने के बावजूद इसे खरगोन से जोड़कर यहां के व्यापार को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। हमारी मांग है कि भ्रामक एवं असत्य समाचार प्रसारित करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। के ऊपर एक वीडियो बेकरी का वीडियो वायरल हुआ है और ये न्यूज चैनल वाले खरगोन के जो है वो ये बता रहे हैं कि खरगोन का हम जो है कि प्रशासन से ये मांग करते हैं कि इसकी जो है कि जाँच की जाए और ये खरगोन का नहीं कड़ी कार्रवाई करें और कड़ी से कड़ी। कहाँ का आवेदन दिया अभी आपने? हमने जो कि थाने पे आवेदन दिया है और जो कि SP साहब को आवेदन दिया। हमने FIR के लिए जो है कि मांग करी कि जिन लोगों ने फेसबुक और TV के ऊपर जो चलाया है उनके ऊपर FIR की जाए या फिर वो लोग साबित करे कि वो वीडियो कहाँ से वो लाए हैं और वो खरगोन बता रहे हैं खरगोन का है। तो वो लोग साबित करें हमारे सामने कि वो वीडियो खरगोन का है। खरगोन में इस तरह की कोई बेकरी तो किसी भी बेकरी के ऊपर ऐसा कार्य नहीं होता है। हम लोग खुद बेकरी चला रहे हैं और जो प्रशासन का नियम है हम उसी के अनुसार बेकरियाँ चलाते हैं। वीडियो को स्टिंग ऑपरेशन का बोल रहे हैं, क्या वो स्टिंग ऑपरेशन? वो स्टिंग ऑपरेशन नहीं है और खरगोन में इस तरीके का ना तोड़ बनता है ना ऐसी पैकिंग होती है। अगर इन्होंने स्टिंग ऑपरेशन किया है तो फिर उन्होंने प्रशासन को क्यों नहीं बताया? इन्होंने अधिकारी को ले जाकर या कलेक्टर महोदय को ले जाकर वो बेकरी के ऊपर सील जगह लगवाना चाहिए, इन्होंने क्यों नहीं लगी? अब क्या चाह रहे हैं आप? हम चाहते हैं कि इन्होंने जो हमने ये झूठा जो है कि वो वीडियो चलाया है तो इनके ऊपर सख्त कार्रवाई और जो है कि और FIR दर्ज हो। खरगोन के अंदर आज करीब करीब 50 से ज़्यादा बेकरियां हैं और 10,000 से ज़्यादा लोग इससे जुड़े हुए हैं। ये अगर बेकरी धंधे को कुछ नुकसान होता है तो ये लोग जिन्होंने फेसबुक पे और न्यूज को भी वीडियो चलाया है ये लोग उनकी खर्चे वगैरह ये इनको जो है कि देना पड़ेगा। खरगोन बेकरी एसोसिएशन वालों ने एक आवेदन पत्र दिया है जिसमें एक न्यूज़ चैनल और एक व्यक्ति के द्वारा असत्य न्यूज़ प्रसारित करने के संबंध में है। इनकी शिकायत हमने ली है और इसकी जांच कर रही है। अगर कोई न्यूज़ भ्रामक चल रही है और उसकी जांच पे तथ्य सही पाए जाते हैं तो संबंधित के खिलाफ हम लोग जो भी वैधानिक कार्रवाई बनेगी वो करेंगे। सर, इनका आरोप है कि वीडियो बाहर का है और खरगोन का बताया जाता है, इसी बात की हम जांच कर रहे हैं। इसको जांच करेंगे और जांच करने पर अगर मान लो वीडियो कहीं और का है और यहाँ का बताकर उसको प्रसारित किया जा रहा है तो संबंधित के खिलाफ जो भी वैधानिक कार्रवाई बनती है वो करेंगे। JSR टाइम्स के लिए खरगोन से अबरार पठान की रिपोर्ट। खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।